आप गर्भवती होने का प्रयास कर रही हैं या प्रेग्नेंट होने से बचना चाहती हैं तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में जरूर सोचा होगा। खास तौर से जब आप गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों का अनुभव कर रही होती है, जैसे कि मतली आना, सिर दर्द और थकान होना, ऐसे में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी करने का भी मन करता होगा। लेकिन क्या आप इस टेस्ट को पहले कर सकती हैं या आपको वास्तव में अपने मिस्ड पीरियड के पहले दिन तक का इंतजार करने की जरूरत है? हम आपको यहाँ यही बताने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। इस प्रश्न के वास्तव में दो जवाब हैं। टेस्ट तब करना चाहिए जब आपको प्रेगनेंसी का संदेह है, और तब तो खास तौर से करना चाहिए जब आप में गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण दिखाई देने लगे हो। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट आपको अपने मिस्ड पीरियड के एक सप्ताह बाद करना चाहिए ताकि सबसे ज्यादा सटीक परिणाम मिल सके। अगर आप अपने पीरियड्स मिस होने का इंतजार नहीं कर सकती, तब आपको यौन संबंध बनाने के कम एक या दो हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। यदि आप तुरंत की गर्भवती हैं, तो आपके शरीर में HCG का स्तर विकसित होने के लिए समय लगेगा और प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं होगी। गर्भ में अंडे के सफल प्रत्यारोपण होने में आमतौर पर 7 से 12 दिन लगते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट तब करें जब आप अलग महसूस कर रहे हो, जैसे कि जी मिचलाना, भोजन में अरुचि होना, थकावट, लगातार पेशाब आना। जैसे जैसे सप्ताह बढ़ते हैं, ये लक्षण और भी ज्यादा दिखने लगेंगे और आपके HCG स्तर पहले तिमाही के अंत तक ही नॉर्मल हो पाएंगे। खुद को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए अपने शरीर पर ध्यान दें। कोई असामान्य शारीरिक लक्षण आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर आपके स्तनों में दर्द हो रहा है तो भी आप गर्भावस्था की जांच कर सकते हैं। क्योंकि गर्भावस्था में अधिक से अधिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न होता है, इसलिए ये हार्मोन बच्चे का विकास करने के लिए आपके शरीर में परिवर्तन करना शुरू कर देता है। आपके स्तन नर्म प्रतीत हो सकते हैं और रक्त प्रवाह में बढ़ोतरी के कारण भारी दिखाई दे सकते हैं। आपके निपल्स में दर्द हो सकता है और त्वचा के नीचे नसों का रंग गहरा दिखाई दे सकता है। चूंकि कई महिलाओं को अपने पीरियड्स आने के पहले वाले दिनों में स्तन में दर्द महसूस होता है, इसलिए यह लक्षण हमेशा गर्भावस्था का नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण दिखे तो आप तुरंत गर्भावस्था की जांच कर सकती हैं। अगर आपको ऐठन महसूस हो तो भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। प्रत्यारोपण के कारण भी आप मासिक धर्म के जैसी ऐठन महसूस कर सकती हैं। गर्भावस्था की शुरुआत में आप इस परेशानी का सामना कर सकती हैं, यह सोचते हुए कि पीरियड्स आने वाले हैं, लेकिन आपको गर्भवती होने के कारण फिर पीरियड्स नहीं आएंगे। इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट करें। महिला में गर्भावस्था के अनुसार हार्मोन के स्तर अलग अलग होते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट करें जब आप अपने पीरियड मिस कर चुके हैं। गर्भावस्था का सबसे पहला लक्षण पीरियड्स मिस होना होता है। यदि आप अपने मासिक चक्र को ध्यान से ट्रैक नहीं करते हैं तो यह निर्धारण करना मुश्किल होता है कि आपके पीरियड्स देर से हुए हैं या मिस हुए हैं या नहीं। कई महिलाओं में 28 दिन का मासिक धर्म चक्र होता है। यदि आपको एक महीने से ज्यादा समय हो गया है और आपके पीरियड्स नहीं हुए हैं तो आपको टेस्ट कर लेना चाहिए। ध्यान रखें कि तनाव, आहार, व्यायाम या कुछ चिकित्सीय स्थितियों के कारण भी आपके पीरियड्स कभी कभी देरी से आ सकती है या स्किप हो सकते हैं। यदि आपको गर्भावस्था होने का संदेह है तो अपने रक्त प्रवाह पर ध्यान दें। गर्भाशय की लाइनिंग में जब अंडा और गहराई में प्रत्यारोपित हो जाता है, तब शुरुआती हफ्तों में हल्के रक्त स्त्राव या स्पॉटिंग का अनुभव करना आम बात है। अपने रक्त के रंग, बनावट या रक्त की मात्रा में किसी भी अंतर का ध्यान रखें। यदि आपको ब्लीडिंग हो रही है लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो डॉक्टर से संपर्क करें। गर्भ निरोधक विफल होने पर करें गर्भावस्था की जांच। जन्म नियंत्रण गोलियां, कंडोम और अन्य प्रकार के गर्भ निरोधक उपकरण गर्भावस्था से 100% सुरक्षा नहीं देते हैं। प्रेगनेंसी का रिस्क हमेशा बना रहता है, भले ही आप कितने भी सावधान हो। आपके जन्म नियंत्रण के उपायों को करने के बाद भी अगर आप किसी भी लक्षण का अनुभव करती हैं, तो टेस्ट करने पर विचार करें। अनियोजित गर्भावस्था, हमसे हुई गलती या कोई दोष के चलते भी हो सकता है।
जन्म नियंत्रण गोलियां हर दिन याद से लेने में आप भूल सकते हैं। एक मातृत्व प्लानिंग संस्था के मुताबिक करीब 100 महिलाओं में से 9 महिलाएं जन्म नियंत्रण गोलियां लेने के बावजूद भी गर्भवती बन जाती हैं। कंडोम फट भी सकता है या इसके गलत तरीके से उपयोग हो सकता है। कंडोम पर निर्भर हर 100 महिलाओं में से लगभग 18 महिलाएं हर साल गर्भवती हो जाती हैं। यदि आप गर्भ निरोधक विफल होने के बारे में चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर से वैकल्पिक गर्भ निरोधक के तरीकों जैसे इंट्रायूट्रिन डिवाइस IUD के बारे में पूछें। IUD का उपयोग करने से आप गर्भवती नहीं होंगी। जब भी संदेह हो गर्भावस्था का परीक्षण करें। यौन सक्रिय महिलाओं को अपने प्रजनन वर्षों में बहुत बार गर्भावस्था का रिस्क बना रहता है, भले ही वे गर्भ निरोधक का उपयोग करती हो। आपका शरीर आपको कुछ सिग्नल भेज सकता है जो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए प्रेरित कर सकता है। गर्भावस्था का परीक्षण किस समय करें? सर्वोत्तम परिणामों के लिए अगर आपको लगता है कि आपने अपने पीरियड को मिस किया है, तो आपको टेस्ट कर लेना चाहिए। सुबह उठने के बाद पहली बार बाथरूम जाने पर ही परीक्षण करें, या फिर कुछ घंटों के लिए पेशाब रोक कर रखें, ताकि HCG हार्मोन जो कि टेस्ट से मापा जाएगा उसकी मात्रा यूरिन में बढ़ जाए। पहले से बहुत अधिक तरल पदार्थ पीने से बचें, क्योंकि यह आपके मूत्र में HCG के स्तर को पतला कर सकता है। प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी करने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अपनी उचित देखभाल कर पाएगी और अपने बच्चे के लिए प्रसव पूर्व देखभाल करेंगी। टेस्ट पॉजिटिव आने पर अपने विकल्पों और संभावित अगले चरणों पर बात करने के लिए जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से संपर्क करें।